हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो है अबाउट एफवाई बीकॉम का जो एग्जाम है उसके लिए मैं कुछ पांच इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आज का वीडियो लास्ट तक देखें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कन्फ्यूजन ऑफ टाइम टेबल। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइम टेबल जो आपके पास अवेलेबल है, तो किसी किसी के पास वो जो लोग कॉलेज से एफवाई बीकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोगों का पैटर्न है चॉइस बेस। एंड दूसरा भी एक टाइम टेबल आ गया है, दैट इज़ आइडॉल का। आइडॉल जो यूनिवर्सिटी से अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका वो टाइम टेबल है, तो स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हुए हैं, इसलिए वो मैंने एक पॉइंट क्लियर कर लिया। सो द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच यू आर गोइंग टू अपियर इज 7, इको, एफसी, बीसी, अकाउंट्स, कॉम1, मैथ्स एंड ईवीएस। सो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली ध्यान देना है बिकॉज हर एक सब्जेक्ट आपके लिए 100 मार्क्स का रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है। सो इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरी ऑफ द सब्जेक्ट यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। लेकिन ये किस तरीके से मिल सकते हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना है, वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखो और वीडियो से जितने बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं वो आप ले सकते हैं। सो ये 7 सब्जेक्ट्स के बारे में प्रिपरेशंस करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा, और क्या आपको ध्यान में रखना है 5 टिप्स जो आप अगर यूज़ करोगे तो आपको केटी भी नहीं लगेगा एज वेल एज आपको मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में मिल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सो अवर फर्स्ट टिप इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखो एफवाई बीकॉम का एग्जाम आपके लिए अभी फर्स्ट टाइम है, सेम वन यू आर अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर्स यूनिवर्सिटी किस तरीके से पूछता है उसका एक आइडिया आना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ बेटर फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू शुड एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। आपको हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं उसको एनालाइज करना है, उससे आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी किस क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है और वो है कॉन्सेंट्रेट ऑन सेंटेंस फॉर्मेशन। द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्टडीड इन द वर्नैकुलर मीडियम, इसीलिए वो सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन सेंटेंस क्लियर होना ही चाहिए बिकॉज जब तक आप सेंटेंस क्लियरली नहीं लिखोगे कहीं पे भी आप अगर ग्रामेटिकल एरर करते हो, जैसे इज लिखते हो, कहीं वॉज लिखते हो, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाता है एग्जामिनर के लिए। इसीलिए आप वर्ड्स हाईफाई यूज़ ना करें, आप सिर्फ प्रॉपर और क्लियर सेंटेंस यूज़ करें, तो सेंटेंस फॉर्मेशन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर आप ध्यान दोगे तो उससे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट एग्जाम में मिल पाएंगे। नंबर थर्ड टिप इज़ ट्राई टू अटेम्प्ट फुल पेपर। सो एफवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, पेपर को पूरा नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ स्पीड, ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, लेकिन आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने के स्कोप थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को पास होने के लिए मार्क्स मिलने के लिए डर लग रहा है कि पास होंगे कि नहीं, उन लोगों को भी ये ध्यान में रखना है कि आपको पूरा से जितना हो सके उतना पेपर पूरा कंप्लीट करना है। नंबर फोर्थ टिप इज अवॉइड एटीकेटी इन सब्जेक्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये एटीकेटी सिस्टम आपके लिए फर्स्ट टाइम आया है बिकॉज एटीकेटी आपके लिए इसके पहले नहीं था, तो आपको अभी एटीकेटी सिस्टम अभी से अप्लाई होने वाला है। अलाउ टू कीप टर्म्स, मतलब आप किसी भी दो सब्जेक्ट्स में अगर फेल होंगे तो आप अगले सेमेस्टर में भी दो सब्जेक्ट्स में फेल होंगे, तो दो और दो चार सब्जेक्ट लेके आप अगले साल एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आपको ये अवॉइड करना है, ऐसा समझना है कि एटीकेटी है ही नहीं, सभी सब्जेक्ट को क्लियर करना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ रिविजन। मैं हर मेरे वीडियो में बताता हूँ कि रिविजन बहुत ज़रूरी है। आजकल के स्टूडेंट्स रिविजन को लैक कर रहे हैं बिकॉज वो जब एग्ज़ाम आता है उसके पहले ही फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो इसलिए वो एग्ज़ाम में जाने के बाद सभी चीज़ों को भूल जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो पॉइंट्स प्रॉपरली लिख नहीं पाते हैं, मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आपको रिविजन्स भी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इक्वली करते रहना है। दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।